123rd क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फाइनल्स। ये क्या कह रहा है? वाटर इन अ कैनाल, कैनाल किसको बोलते हैं? व्हाट इज कैनाल? छोटी रिवर, ठीक है, पंजाबी में हम उसे सुआ भी बोलते हैं। वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझना इसको। पहली बात, अगर मैं आपसे पूछूं कोई भी रिवर या कैनाल किस शेप का होता है? हमारी दुगरी की नहर है, दुगरी की नहर, नो डाउट उसका जो किनारा है उसको थोड़ा स्लांट बनाया होता है, बट उसके अंदर जो नीचे रिवर है वो क्या है? खाली रिवर देखिए कभी, वो कौन सी शेप होती है? रेक्टेंगुलर नहीं दिखती? तो रेक्टेंगुलर सॉलिड ज्योमेट्री में किसको कहते हैं? क्यूबॉइड को। तो कोई भी रिवर या कैनाल आता है, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दैट दे आर टॉकिंग ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। और उसने तो डायमेंशन भी दे रखी थी, क्या कह रहे हैं? वॉटर इन अ कैनाल, ये कोई कैनाल है, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है, इसके अंदर वॉटर है। वॉटर इन अ कैनाल विच इज 6 मीटर वाइड, कितना चौड़ा है? 6 मीटर वाइड, ये इसकी डायमेंशन आ गई 6 मीटर्स, एंड 1.5 मीटर डीप, डूंगाई, ठीक है, उसको मैं इस एरो से दिखा रहा हूं, इज दैट ओके? इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इसकी क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर ऐसे फ्लो कर रहा है। अब ध्यान से सीखो, यहीं से पहला कैच है जिसकी वजह से यह क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा कैनाल में पानी का वॉल्यूम ढूंढना है, 1 घंटे में कितना फ्लो हुआ, कितने घंटे में? 1 घंटे। हमें ब्रेथ पता है, हमें हाइट पता है, लेंथ क्या होगी? 10 किलोमीटर। कि 1 घंटे में उस नदी में कितना पानी फ्लो कर गया, तो वो एक तरह से उसकी लेंथ जनरेट हो गई। अगर वो कहें आधे घंटे में, तो कितना? 5 किलोमीटर। यस और नो? 15 मिनट में 2.5 किलोमीटर, ऐसे वर्क करेगा। जब भी जो स्पीड दी होती है वहां से हमें निकलती है लेंथ। इस चीज को चाहे अपनी नोट्स में पॉइंटर बना लेना, स्पीड गिवन इन सच क्वेश्चन ऑलवेज जस्टिफाइज द लेंथ ऑफ द कैनाल, इज दैट ओके? आगे बढ़ते हैं। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट? अब ध्यान से देखो, ये यहां से पानी निकल रहा है, ये पानी निकल रहा है किसी खेतों में जा रहा है, ठीक है। कहते जितना पानी निकला वो कितने एरिया को इरिगेट करेगा, इरिगेट का मतलब कितनी फील्ड में पानी देगा। इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वॉटर इज नीडेड, कोई भी खेत होते हैं उसमें पानी खड़ा रहना चाहिए होता है, तभी फसल उगती है, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि अगर उसके अंदर 8 सेंटीमीटर पानी खड़ा होना चाहिए, मतलब ये उसकी क्या आ गई, हाइट आ गई कि नहीं आ गई? अगर पानी खड़ा करने के लिए हम जनरली अगर खेतों में देखते हैं तो चारों तरफ उसके पगडंडी बनाई होती है, पगडंडी मीन्स अ स्मॉल हाइट क्रिएटेड इन आउटसाइड द फील्ड। वो क्यों बनाई होती है? ताकि पानी बाहर ना जाए, पानी फील्ड के अंदर ही रहे, इज दैट क्लियर? वो कितनी चाहिए? 8 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या है, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट? एरिया से क्या समझ आई, एरिया से क्या समझ आया? एरिया क्या होता है बोलो, कितनी लेंथ और कितनी ब्रेथ कवर कर देगा अगर 8 सेंटीमीटर पानी वो स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगा। कहानी समझ में आई? टेक्निकली ये भी क्यूबॉइड है और अब अगली चीज वो क्या कह रहे हैं, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन हाउ मच टाइम, कितने टाइम पीरियड के लिए? 30 मिनट्स के लिए। मतलब मेरी स्पीड चाहे 10 किलोमीटर पर आ रहा है बट लेंथ क्या यूज होने वाली है? 5 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे के लिए लेंथ थी 10 किलोमीटर, आधे घंटे के लिए लेंथ क्या होगी? 10 का हाफ, 5 किलोमीटर। क्या यह स्टेप समझ आया? अब यहां से समझ क्या आया, क्वेश्चन बना गया। सबसे पहले फिर करते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई क्या हुई? वॉल्यूम ऑफ वॉटर फ्लोन आउट फ्रॉम कैनाल
इन हाउ मच टाइम, इन 30 मिनट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉटर रिक्वायर्ड टू इरीगेट लैंड, बोलो, विद 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वॉटर, येस और नो? क्या सिचुएशन समझ आई? जितना कैनाल से पानी निकला उतना लैंड के ऊपर गया, दोनों के तरफ कंडीशन क्या थी कि भाई 30 मिनट्स तक ही वो निकलना चाहिए, यस और नो? ये भी क्यूबॉइड और ये भी क्यूबॉइड, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ निकालने को कहा है, है क्या हमारे पास हाइट? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, सब कुछ क्लियर है कि डाउट है? बोलो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका फॉर्मूला आता है एल इंटू, और इसका फॉर्मूला क्या है एल इंटू, क्या कहानी समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, अब ये नहीं कह रहा एल बी एच कट गए, दोनों अलग अलग चीजों के, यू गॉट इट राइट? इसकी ब्रेथ क्या है 6 मीटर, हाइट क्या है 1.5, क्या नहीं पता हमें लेंथ निकालने के लिए क्या रखेंगे? इन 1 आवर वॉटर फ्लोन और डिस्टेंस कवर्ड कितना 10 किलोमीटर, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? तो वो कितने मिनट्स की बात कर रहा है? तो 60 का आधा क्या होता है 30. तो क्या लिखूंगा, इन 30 मिनट्स डिस्टेंस कवर्ड इज 5 किलोमीटर, क्या यहां पे कहानी क्लियर? सो देयर फोर लेंथ टू बी कंसिडर्ड, लेंथ टू बी कंसिडर्ड 5 किलोमीटर, क्या कहानी समझ आई? तो ये कितनी आगे बेटा, गलत, मैं वही फंसा रहा था, ये मीटर, ये मीटर, ये तो मैं इसको क्या लिखूंगा? यही तो मैं सुनना चाहता था, आप लोग जाग रहे हो कि सो रहे हो? अगली कहानी, क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट, क्या एरिया? इसको मैं लिख दूं अच्छी भाषा में, एरिया इनटू हाइट क्या है 8, किसमें सेंटीमीटर को किधर कन्वर्ट करोगे? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? और अगर छोटे से बड़े में जाना है तो क्या करूं? तो यहां पे क्या लिखूं? क्या कहानी समझ आई? अब एरिया को एक तरफ रह के बाकी सब कुछ, तो यहां से आया 5000 × 6 × 15/10, पहले इसको अच्छा कर लिया, ये 100 उधर डिवाइड हो रहा है इधर आके, 8 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, तो ये सब किसके बराबर है? एरिया के बराबर। यहां पे 0 से 0 कैंसल, 2 2 जा 2 4 जा 2 सॉरी 2 3 जा 3 जा ठीक है, 2 2 जा 2 2 1 जा 2 2500 जा, तो एरिया मेरा किसके बराबर आया बेटा? देखो 25 3 जा 15 5 जा 75, थोड़े स्मार्ट हो जाओ, मुझे पता चल गया भाई ऊपर तो 75 के स्क्वायर की बात हो रही है। अब मैं अगली चीज पूछता हूं, 75 का स्क्वायर क्या होता है? 5565, एक्सीलेंट राइट एंड खुशी बोथ ऑफ यू। 75 का स्क्वायर, पीछे 5 का क्या आ गया 25, 7 से नेक्स्ट नंबर 7 8 जा 5 6, 2 0 पीछे लगा दो, आपका इतना क्या आ गया मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड दैट विल बी इरिगेटेड। आप खुद सोचो, मैंने क्या कोई कैलकुलेटर यूज किया या कैलकुलेशन की? ये आपको ट्रिक्स टिप्स में होने चाहिए, करिए नोट।